shoulder. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we're staring at photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको लाइक कर देखिए इतनी शांति क्या है साहब, यहाँ की हवा में बहुत शांति है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सर ये इतना इन्होंने एफर्ट लगा के इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे ऑन स्टेज मेकअप हो रहा है, ब्राइडल मेकअप का कॉम्पिटिशन हो रहा है और अवॉर्डीज है, विनर्स है, तो सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है तो इनकी कितनी प्रेप है, काबिले तारीफ है। एंड आई विश एंड प्रे कि ऐसे और बहुत सारे कामयाब इवेंट से करें। पर जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं पुणे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो यही कहूंगी जैसे कि जितने भी यहाँ पे ब्राइडल मेकअप्स मैंने देखे हैं, क्योंकि देखिए दिन ब दिन हमारी दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, इंटरनेट ने कितना टेक ओवर कर लिया है और बहुत चेंज है, तो मैं चाहती हूँ कि हर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चले, लेकिन जब आप ब्राइडल मेकअप करते हैं तो आपको ट्रेडिशन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रिलीजन रिलीजियस वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, आपका कल्चर उसको पहली अहमियत और फिर उसके बाद में आप आज के जमाने के हिसाब से। मैं आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि यानी ससुराल गेंदा फूल से आप फेमस हुए हो, उसके बाद आप कौन से टीवी सीरियल और पिक्चर में दिखने वाले हैं? सर ससुराल गेंदा फूल के बाद मैंने एक पिक्चर की थी पाजी इन प्रॉब्लम, फिर मैंने एक पिक्चर की गुड़गांव, फिर मैंने की एक पिक्चर कोशंपा, फिर मैंने एक पिक्चर की घूम केतु। बहुत अंतर है क्योंकि जो डेली सो था उस समय किरदार दिखा रही हूँ और जो मेरी रियल लाइफ है वो तो मेरी अपनी निजी जिंदगी है। ससुराल गेंदा फूल में जो नटखट थी आप, जो सुहानी थी, वैसे आप रियल लाइफ में भी हो गया क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में आप शांत हो। मुझे सुहाना जितना गुस्सा नहीं आता है, मैं सुहाना जितनी शराब भी नहीं। बिल्कुल आपके साथ हमेशा मिलकर अच्छा लगता है, आपको देखिए तो लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज़ के लेके, कुछ भी हम कर सकते हैं कुछ भी, आप एक मीडिया पार्टनर हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी मुझसे मिलते हैं तो एक घर जैसा बिहेव करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। आज का सेमिनार बहुत ही सुपर हिट हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और इस सेमिनार जो होता है एक सम्मेलन जैसा होता है, जैसे हर स्टेट के लोग एक जगह पे मिलते हैं, पूरा दिन भर हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटते हैं, मेकअप सीखते हैं और लास्ट में हम अपना सब लोग से मिलजुल के नई दोस्ती करके हम एक दूसरे के घर अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल्कुल सेमिनार्स जो होता है ना ये उन बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे 4 लाख 5 लाख, तो जो सेमिनार होता है ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट होता है कि आप हर सेमिनार अटेंड करो, हर आर्टिस्ट का ट्रिक सीखो और आप हर एक सर्टिफिकेट लेके जाओ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बड़ी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम इनसे सीखें बट उनकी फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो सेमिनार अटेंड करें और ये एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट होता है तो ये बहुत ही बेस्ट होता है सेमिनार। मैं बचपन से ही सीखते आ रही हूँ, मैं आईने में देख के सीखती थी, मैं किसी सीखी नहीं, आईने में देख देख के गाने पे डांस करना सीखा है मैंने और वही परफेक्शन हो गया थोड़ा सा। और आज की जनता है आपके डांस देख के। बिल्कुल बिल्कुल, नागपुर आई लव नागपुर एंड एवरीबडी लव्स मी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने, हर स्टेट के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा का शुक्र है जो आज ये इज्जत मुझे बख्शी गई है। स्पेशल ये रहा है कि स्पेशल ऑर्गेनाइजर अलग ऑर्गेनाइजर से मिली हूँ, ऐसे बाकी तो सब मेरे लिए एक ही होता है, हर चीज़ मेरे लिए एक है और हर लोग मेरे लिए एक है, क्योंकि हर लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मुझे मिलती है, वो दो चीज़ मुझे उनसे मिलती है, एक तो वो गॉड गिफ्ट चीज़ है जो हर स्टेट के लोग समझे, एक तो इज्जत और एक प्यार, ये दो चीज़ जो मुझे मिल जाती है मेरे लिए बस होता है, बस महसूस ये होता है कि लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और इतना प्यार मिलना ये कोई आसान बात नहीं होती, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए ये जो इज्जत मिलती है, तो नागपुर में तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाबा ताज का करम है जो इतनी इज्जत और इतना प्यार उन्होंने अल्लाह से दुआ करके मुझे दिलवाई है। बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट जो उनकी ख्वाहिशें होती है बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से सीखने की, शायद वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं,
इतनी बड़ी बड़ी क्लास जैसे 2 लाख 5 लाख की क्लास, तो वो ये सेमिनार्स अटेंड करके भी सीख सकते हैं। मेकअप सीखना कोई हार्ड बात नहीं है, बस अपना ध्यान लगन और प्यार होना चाहिए, बस। थैंक यू। बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ, मेरे सभी लोगों ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया, मुझे मीडिया सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, थैंक यू सो मच सभी मीडिया का, मेरे सभी स्पॉन्सर का, मेरे स्पॉन्सर सिक्वा, रिकॉर्ड, फ्लिका, फैशन कलर और फातिमा ऑर्गेनिक्स, यश कॉस्मेटिक्स, ये सब थे, इन सबका साथ मिला। मेरे आर्टिस्ट योगिता वैष्णव मैम, उसके बाद खुशी मैम ने तो बहुत सपोर्ट किए, रागिनी मैम ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए, सभी लोगों ने आज मुझे दिल खोल के हेल्प की है। मैं हमारे फैमिली की भी लिए थैंक यू। खुशी मैम तो मैंने खुशी मैम को बुलाने के पीछे का ही मैंने फर्स्ट इसमें भी बताया था, आफ्टर में भी बता दिया कि लोग खुश हो जाते हैं खुशी मैम के डांस से। लोग कहते हैं पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती, पार्टनरशिप में पैसों के कारण गद्दारियाँ होती है, बट हमने ये सफल कर दिया, हमारा शो एंडिंग तक के हुआ पर आज तक के हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और यही चीज़ें लेके हम दोनों और आगे बढ़ेंगे, हम दोनों का साथ ऐसा ही बना रहेंगे। सबसे पहले सबका थैंक यू कहना चाहूँगी कि जहाँ यहाँ जो भी आए थे मेरे पे विश्वास रख के आए थे, तो कैसे दूर से भी आए तो इतना दूर ट्रैवलिंग करके आए तो कुछ सोच के ही आए थे कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, और मेरे लोग सभी सेटिस्फाइड हो गए हैं। और जिनकी जैसे देखिए, मैं ये भी चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, इस बात के लिए मैं नाकारा नहीं करती हूँ, किसी की ट्रॉफीज़ बाकी रहती है, किसी के सर्टिफिकेट्स बाकी रहते हैं, ये तो सभी शोज़ में होता है, क्योंकि लोग टाइम तक के बुकिंग नहीं करते, स्पॉट बुकिंग करते हैं। स्पॉट बुकिंग में मुझे बताइए ऑर्गेनाइज़र की क्या गलती है कि उतना चीज़ें लगा करके हम एक्स्ट्रा लाते हैं, पर पता नहीं लोगों को हमारा शो और अच्छा लगता है तो आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, पर हम जिनके भी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी रह जाते हैं उनके घर तक के पहुंचाते हैं, और ये मेरा आज प्रॉमिस भी है, और सबको कोई नाराज नहीं होंगे हमसे। थैंक यू किया है मीडिया पार्टनर अमित जी की, और सब जो भी अपनी मीडिया पार्टनर है, सब लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है, और प्यू है हमारी मेन कैरेक्टर, उसके साथ मैंने मिलकर ये पहली बार कोई शो उठाया है, काम किया है, उसके लिए प्यू का भी थैंक यू, और सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, मेरी फैमिली, प्यू की फैमिली, हमारे जो भी को स्टार्स हैं, खुशी जी, योगिता वैष्णव जी, सभी लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया है हमारा, मैं दिल से खुश हूँ, और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द भी नहीं, बहुत खुश हूँ मैं आज, और अपने सभी लोगों, आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचती हूँ, जिसमें मेरे पास सोप्स की कैटेगरीज है, और मेरे पास हेयर है, स्किन केयर है, एंड मैं कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ अपने कस्टमर्स को, और मैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी स्किन केयर जो है पूरा एक कॉम्बो में मिला देती हूँ अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को। इवेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन आज का इवेंट जो था कुछ स्पेशल इवेंट था, मैं सबसे पहले मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा इवेंट हुआ इनका, एक यूनिक इवेंट हुआ, यूनिक मैनेजमेंट था इनका, और काफ़ी अच्छी सेलिब्रिटीज भी आई, हमारे सबसे पहले हॉल का नाम ऊंचा किया मैडम, मेहनत काफ़ी दिनों से चल रही थी इवेंट के लिए, और काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ, इनकी मेहनत रंग मैंने काफ़ी हॉल में अपने ऑर्गेनाइजेशन किया है, इतने सारे शोज किए, बट जितना मुझे नक्षत्र का सपोर्ट रहा हर एक चीज़ में, तो मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, और मैं मेरे परेश भैया जी को बुलाना चाहूँगी, यहाँ के हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, एक फ़ोन पे दौड़े चले आते थे, प्लीज़ वेलकम। अभी तक इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं नागपुर में, इतने बढ़िया बढ़िया इवेंट हो चुके हैं, पर आज के जैसा इवेंट हुआ मैंने कभी पहली बार देखा है, और आगे भी ऐसे इवेंट हो नक्षत्र बैंक्वेट में, बस ऐसे में चाहता हूँ, और अच्छे से अच्छा इवेंट हो, और खासकर पीयू मैडम ने बहुत सही काम किया, पूजा मैडम ने जो दोनों मिलकर जो दो लेडीज़ थी पूरा बैंक्वेट अकेले ने पूरा संभाला, पूरा प्रोग्राम पूरा सक्सेस किया, उसके लिए उनके लिए विशेष धन्यवाद।